हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। तो अभी हम गाया लेके घर से निकल चुके हैं और अभी करीब करीब 10 बज चुके हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी दादर, हमारा खेत में यहाँ पे दादर फेरी हुई है। तो अभी जैसे अभी दो दो पानी घुमाया हुआ है इसमें, और यहाँ गाया ने पानी पी लिया है अभी, और अभी भैंसे पानी पी रही है। अभी पीछे 8 दिन पहले ये दादर है, अभी ये छोटी है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो अभी करीब करीब 1 बज चुका है दोस्तों, और अभी भैंसा पानी में से निकल रही है। तो आप देख सकते हैं गाय आगे निकल चुकी है, और हम आपको दिखाने लाए थे ये जो अभी किसान भाई ने बावली खंदी हुई है कुआं। तो खाली 10 ही फुट खंदा हुआ है जेसीबी से, और उसमें इतना पानी भर गया रात में। तो मुझे यहाँ अच्छा लगा, तो मुझे लगा मैं वीडियो में दिखा दूँ दर्शकों को। इतनी मिट्टी निकली हुई है। दोस्तों ये चना है हरभरा, क्या यहाँ महाराष्ट्र में हरभरा बोलते हैं, और हमारे गुजराती में बोले तो सणिया बोलते हैं उसको। अभी वो कूलर पे लग रहा है, 1 महीना लग जाएगा उसे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल हमने ब्लॉग का एंडिंग नहीं किया था, तो आज सोचा कि आगे शुरू करते हैं। तो अभी गाया घर से निकल चुके थे, और हम घर पे नहाने के लिए थोड़ा रुक गए थे, तो सोचा मैं आपको थोड़ा बता दूँ। तो ये लेडीज लोग ये ऐसे गौरिया थापते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, मैंने आपको बोला कल गौरिया बोलते हैं, और हमारे गुजराती में साणा बोलते हैं। तो ये बाया का दिन भर का यही काम है। तो इधर मेहुल और भोला ट्यूशन के लिए जाते हुए गांव में, और ये देवराज कटिंग कई कटिंग करी ना है वाला वन साइड कटिंग करी ना आया बताए उलकोर से फर तो आम वहाँ था टको तो यो आम फिर आम आम वन साइड कटिंग है ये। तो अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से, और अभी गाया में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो अभी फिलहाल तो दोनों मोटरसाइकिल दूध लेके गए हुए हैं, तो इसके लिए मैं पैदल ही जा रहा हूँ अभी।
तो यहाँ जिस रोड का काम चालू है और भोला उनका ट्यूशन 11:30 बजे पूरा होता। तो अभी दोस्तों हम गया में पहुँच चुके हैं, तो गया और यहाँ भैंसे तो दोस्तों यहाँ एकदम शांत वातावरण है अभी और 2-3 दिनों से धूप भी गिरी तो अभी यहाँ एकदम ठंडा मौसम है। तो मैं अभी 2 किलोमीटर पैदल चल के आया तो दोस्तों यहाँ एकदम शांत वातावरण है। अभी आपको बैकग्राउंड में पंछियों की कलबलाहट सुनाई दे रही होगी। मिल्किंग हो चुकी है और ईरम और ये यहाँ पे आए हैं। असुर हम आते हैं गांडी। तो दोस्तों आपको बहुत से वीडियो में ये दोनों दिखते होंगे लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी। ये विवेक है और ये विराम है, ये बड़ा है छोटा है दोनों जुड़वा है, ये दोनों जुड़वा है, कहते हैं बे जुड़वा है मोटो कौन? तू मोटो? मोटो कौन? तू मोटो का? हाँ मोटो? तू नानो है?